हेलो स्ट्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स सो टुडे आल्सो टॉपिक इज लाफल ट्रांसफॉर्म अंडर दैट डिवीजन बाय टी रूल डिवीज़न बाय टी रूल का हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं इसके पहले हमने लॉट ऑफ लाफल्स ट्रांसफॉर्म का वीडियो दे रखा है उसमें से ये अप्लीकेशन है इसका भी प्रूफ हम कर चुके हैं आज एक नया प्रॉब्लम्स ले आपके लिए आए हैं सो प्रॉब्लम क्या है सॉल्व द लाफल्स ऑफ इट पॉल ए टी माइनस कॉस सिक्सटी बाई इसको सॉल्व करना है डिवीजन बाय टी क्यों इसको कहते हैं डिवीजन बाय टी रूल डिवाइड बाय टी लाप्लस इट पावर एटी कॉस टू टी का डिवाइड टी है तो ये डिवीज़न रूल है इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लाप्लस जानते हैं इट पावर एटी और कॉस सिक्सटी का बाय द लाप्लस रूल सो पहले हम लोग क्या लेते हैं एल टू पावर ए टी माइनस एल कॉस सिक्सटी डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया पहले ऊपर का नुमरेटर पार्ट्स को हम लोग ले लिए एल कॉस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये लुक्स नाइस सो एल तो हम क्या जानते हैं एल ई पॉवर एटी का वन बाय प्लस है तो वन माइनस एस माइनस ए फिर लाप्लस इसका कॉस है तो कॉस का क्या होता है एस होगा साइन रहता है तो सिक्स होता तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर सो इसको देख सकते हैं थर्टी सिक्स इसको लिख सकते हैं थर्टी सिक्स क्या हो गया ये लाप्लास ऑफ बोथ इसका क्या हो गया लाप्लास ऑफ बोथ हो गया हमारा अब इसको प्रॉपर्टी में बैठाते हैं प्रॉपर्टी क्या है एल एफ टी बाई टी अगर है डिवाइड बाई टी है तो एस बाई इन्फिनिटी एफ एस डी एस होगा तो नौ फ्रॉम द क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार क्वेश्चन एल ई टू पावर ए टी माइनस कॉस सिक्सटी बाई एल अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई टी एल नहीं भाई टी है तो, तो क्या लिख सकते हैं लाप्लस ये तो हो गया नमरेटर का तो एस टू इन्फिनिटी सॉरी एस टू इन्फिनिटी और ये हो गया डिवाइड बाई टी का एस टू इन्फिनिटी डी एस तो लाप्लस इनसेट क्या है वन बाई एस माइनस ए माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स जो कि सिक्स स्क्वायर का है और यहाँ पर डी एस दे दिए डी एस ये क्या किए हम रूल पे शिफ्ट कर दिए अब मेरा वो काम क्या है इसको इंटीग्रेशन करना है बहुत पार्ट्स को तो इंटीग्रेशन करना है तो लेते हैं इंटीग्रल तो इंटीग्रल, तो इंटीग्रल साइन इंटीग्रल करेंगे तो साइन ख़त्म हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एस तो हो जाएगा लॉक एस माइनस ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एस बाई एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स इसको हम लोग सब्चुशन मेथड से करते हैं कई बार हर प्रॉब्लम में इसको डिस्कस कर चुके हैं फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है एस बाई एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स डी एस इसको इंटीग्रेशन सिंपल मेथड जो है दैट विल बी द सब्स्यूशन मेथड तो सब्चुशन मेथड क्या कहता है लेट एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स इक्ल टू समस्टेंट हम पी लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी पी एक कॉन्स्टेंट लिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड तो क्या होगा टू एस डी एस इक्वल टू डी पी टू एस डी एस इक्वल टू डी पी तो नूमरेटर में क्या है मेरा एस डी एस है तो एस डी एस को यहाँ निकाल लेते हैं तो क्या बचा वन बाई टू डी पी वन बाई टू डी पी हो गया तो एस डी एस के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग वन बाई टू डी पी और ये डिनोमिनेटर पार्ट्स को पी एजूम किए हैं तो इसका क्या हो जाएगा लॉग इंटीग्रेशंस लॉक पी हो गया तो वन बाई टू लॉक पी क्याजुम किए हम लोग एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये सिंपल मेथड से हम इसको इंटीग्रेशन कर दिए इसको सिंपल मेथड से हम इंटीग्रेट कर दिए तो लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशंस क्या आया वन बाई टू लॉक एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये हम लोग कर दिए इंटीग्रेशंस हो गया अब अप्लाई द लिमिट एस टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी अप्लाई द लिमिट एस टू इन्फिनिटी तो क्या देखते हैं हम एस के जगह पर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो यह भी इंफिनिटी इन्फिनिटी आएगा तो मीनिंगलेस वैल्यू हो जाएगा तो ऑलरेडी हर प्रॉब्लम में ऐसा आ रहा है तो इसको हम एक दो स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ फर्दर लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी उसके पहले ये एस माइनस ए आ गया नहीं तो हम लोग डायरेक्ट एल्शियम लेते ये ये प्रोसेस से इससे भी हो जाएगा प्रोसेस लंबा जाएगा तो हम इसको डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं क्या करना है इसको वन बाई टू है जैसे ए लॉग बी रहता है तो क्या लिख सकते हैं लॉग बी पे पावर ए तो इसमें एस स्क्वायर प्लस थर्टी पावर हाफ हो जाएगा देखते हैं क्या है लॉग एस माइनस ए है तो माइनस एक बटर वन टू जो है इसको हम लोग ले जाएंगे एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स पावर हाफ पावर हाफ और उसको रूट भी लिख सकते हैं किसी चीज पे पावर को रूट भी लिख सकते हैं हम लोग तो अभी पावर लिख दिए ठीक है लॉग एस माइनस ए लॉग एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स और इन लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी हम लोग रख दिए ठीक है तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है देखते हैं इसके बाद क्या करना है अब लॉग ए बाई लॉग बी लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए बाई बी लिख देते हैं हम तो लॉग एस माइनस ए डिवाइड बाई लॉग एस स्क्वायर पर थर्टी सिक्स को रूट में ले लेते हैं वो यहाँ लॉग नहीं होगा ये तो लॉग आ गया ना ये लॉग ए बाई बी लॉग एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स पर पावर ये पावर हाफ और इसको रूट के अंदर ले, ले लेते हैं एस स्क्वायर को रूट के अंदर ले लेते हैं रूट के अंदर ले लिए अब इसमें लिमिट क्या बैठा देंगे एस टू इन्फिनिटी फिर भी अभी भी लिमिट बैठाने से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि मीनिंगलेस वैल्यू होता है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं एस कॉमन लेते हैं ये एस स्क्वायर है एस कॉमन लेते हैं दोनों टर्म में लॉग एस कॉमन लिए तो वन माइनस ए एस हो गया यहाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो एस स्क्वायर पहले अगर कॉमन लेते हैं तो उसको बाहर आ जाएगा तो एस हो जाएगा तो लिख सकते हैं एस डायरेक्ट देन रूट अंडर वन प्लस थर्टी सिक्स बाई एस स्क्वायर इसको ऐसे लिख दिए हम लोग और लिमिट जो है हमको एस टू इन्फिनिटी रख दिए कर दिए तो ये एस बाय एस हमारा कैंसिल हो गया एस एस कैंसिल हो गया अब क्या करना आप अप्लाई लिमिट करते हैं तो इन्फिनिटी करते हैं तो कोई ए पर बाई इन्फिनिटी जीरो तो वन बच जाएगा यहाँ थर्टी सिक्स बाई इन्फिनिटी स्क्वायर ये भी हो जाएगा जीरो तो लॉग वन पहला टर्म क्या बच जाएगा मेरा पहला टर्म बच जाएगा लॉग वन दूसरा टर्म एस सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ एस तो यही सेम टर्म्स रह जाएगा तो एक बार लिख लेते हैं वन माइनस ए बाई एस तो इसको क्या करते हैं स्पेस बचाना या स्टेप को कम करने के लिए डायरेक्ट हम स्टेप इस इस को लिख लेते हैं एस एल सी एम होगा तो एस माइनस ए बाय एस लिख सकते हैं पहला टर्म को डिवाइड बाई ये एस स्क्वायर एल सी एम होगा रूट में है तो, तो रूट के बाहर कर देंगे तो एस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये रूट में रख दिए इसको रूट से निकाल दिए नहीं तो एल सी एम एस स्क्वायर ही होगा क्यों क्यों निकाल दिया तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म ये टर्म्स और ये टर्म्स मेरा कैंसिल हो जाएगा ये एस टर्म एस टर्म्स मेरा कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब क्या बचता है रिमेनिंग देखते हैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं लॉग वन का क्या होता है जीरो माइनस लॉग एस लॉग एस, एस माइनस ए हो गया एस माइनस ए और नीचे क्या बच गया रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये मेरा टर्म बच गया अब ये नेगेटिव को हम लोग को रिमूव करना है तो नगेटिव को रिमूव करने के लिए रिवर्स कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये अंडर रूट लिख सकते हैं या इसके पावर हाफ लिख सकते हैं बाई एस माइनस ए ये क्या हो गया ये मेरा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस हो गया ये मेरा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस हो गया ओके okay. सो so, देखते हैं सोल्यूशंस क्या है लॉग एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एस माइनस ए तो सर इससे हम इसके रिलेटेड हम थ्री और फोर फाइव प्रॉब्लम्स कर चुके हैं करना क्या होता है हम लोग बेसिक लाप्लस से लाप्लस निकाल लेंगे टी है तो उसके लिए उसका थ्योरम पे बैठा देना है उसको इंटीग्रेट करना है मोरलेस सेम लाइक टर्म्स विल कम तो वो देखना है किस मेथड से यहाँ अगर एस माइनस ए है इसलिए हम लोग एलसीएम नहीं लिए जो हम लोग पहले मेथड में कर रहे थे तो वो सिंपल होता है ये एस माइनस ए है अगर इसको एलसीएम लेंगे तो इस पर एस स्क्वायर होगा तो वो टर्म थोड़ा लंबा गीत जाएगा तो उसके लिए हम लोग इस इस मेथड को डायरेक्ट पावर अगर इन टू जब है तो ये पावर हो जाएगा हाफ तो फिर स्क्वायर रूट करके मैं हम लोग को करना है कि वन बाई एस वन बाई इन्फिनिटी टर्म को फॉर्म करना है हमको लिमिट जब इन्फिनिटी पुट करना है तो ऑलवेज वन बाय इन्फिनिटी करने से क्या होगा जीरो तो उस मेथड पे हम लोग उस टर्म पे हमको तोड़ देना है तो इन्फिनिटी जीरो हो जाता है तो हम लोग इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं ओके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सब्सक्राइब द चैनल शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड ओके थैंक यू